सोमवार को कोटाबार विकासखंड के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों ने रामनगर वन प्रभाग कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए जंगली हाथियों के आतंक से निजात दिलाने के साथ ही फसलों का मुआवजा देने की मांग की। इस दौरान ग्राम प्रधान हरीश चंद ढोंडियाल ने बताया कि पिछले कई दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली हाथियों और नील गायों का आतंक बना हुआ है और हाथी ग्रामीणों की खेत में खड़ी फसलों को रौंद कर बर्बाद कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों के आगे गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हाथियों द्वारा ग्रामीणों की झोपड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन विभाग द्वारा ग्रामीणों को हाथियों के आतंक से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं, जिससे अब कभी भी इन क्षेत्रों में कोई अप्रिय घटना घट सकती है। उन्होंने विभाग से हाथियों का आतंक से निजात दिलाने को लेकर खाई खोदने और सुरक्षा दीवार बनाने के साथ ही फसलों का मुआवजा देने की मांग की है। वहीं मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। वहीं मामले में विभाग की एसडीओ गंगा देवी, हम कोटाबाग चांदपुर से आ रखे, हम बहुत परेशान हो रहे, हमारे फसलें बहुत बर्बाद कर दी। 6 बजे से शुरू हो जा रहे हैं वहाँ हाथी, 15-15, 16-16 हाथी आ रहे हैं, पूरी रात भर सो नहीं रहे। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या कैसे पालेंगे, क्या खाएंगे हम लोग? अगर हमारा थोड़े से भी कहीं से बचा होगा, अगर यहाँ उसकी सुरक्षा नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे? जंगलात वाले कोई भी डेपू हो, रेंजर हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, पेट्रोल हो, कोई भी हो, वो तो बैठ बैठ के कुर्सियां तोड़ रहा है। हमारा इधर कोई ना आना, ना कोई जाना, ना कोई चौकीदारी, ना कोई बात, ना कोई खबर। आज हम लोग बोल भी रहे थे, उल्टा हमको बोल रहे कि तुम ऐसा बोल रहे, इतना मुंह चला रहे। भैया, जिसका नुकसान होगा तो हर कोई बोलेगा, बोलेगा नहीं बोलेगा? जिसकी फसल बर्बाद हो रही है वो हर कोई बोलेगा। क्या करे, अगर कल किसी को मार दिया, हाथी लेके नुकसान कर दिया, बोलेंगे हम मुआवजा दे देंगे 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। अरे हम क्या कर रहे हो 2-4 लाख रुपए का? क्या कर सकते हैं? उससे पूरा हो जाएगा क्या नंबर का हमारा? क्या तो हमारे आदमी चले जाएंगे? फिर 6-7 फीट हमको गड्ढा चाहिए गहरा, और 5 फीट उसकी चौड़ाई चाहिए। हाँ हाँ बस, और वो नहीं होगा तो हमको 10 फीट की दीवार चाहिए चारों तरफ। मेरा नाम हरीश ढोंडियाल है सर, मैं कोटाबाग ग्राम पंचायत नौदा का निवासी हूँ। मुख्य मांग है यही है कि जंगली जानवरों से हमारे और हमारे परिवारों की और फसलों की सुरक्षा हो, यही हमारी मुख्य मांग है वन विभाग से, जिसकी लगातार वन विभाग अनदेखी कर रहा है। तो छोटे कर्मचारी आते हैं, न तो उनके पास गाड़ियाँ होती है, न कोई उनके पास पटाखे वगैरह ऐसे कुछ नहीं होते, और हाथियों ने लगभग गाँव की 50% फसल पूरी नष्ट कर दी है। और मेन अधिकारी का है, इसीलिए हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ डीएफओ जी साहब से मिलने आए थे, लेकिन स्टाफ का कहना है कि यहाँ पर डीएफओ साहब उपस्थित नहीं है। और आज हमने ग्रामीणों के समक्ष एसडीओ मैडम को ज्ञापन दे दिया है, और उन्होंने जल्दी हमें इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। नहीं तो अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम 15 तारीख को, हमने एसडीओ मैडम को अपना समय दिया है कि 15 को हम उग्र आंदोलन करेंगे और इससे कम से कम 10 गुनी संख्या में यहाँ पहुँचेंगे। विभाग की एसडीओ पूनम गंतोला ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन पर जल्द कार्रवाई कर समस्या का समाधान किया जाए। ये कोटाबाग ब्लॉक के जो ग्रामीण हैं वो ऑफिस में आए हैं, उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है कि उनके वहाँ हाथी से फसल क्षति द्वारा की जा रही है, तो वो हाथी से सुरक्षा के लिए मांग की है उन्होंने, तो उनका ज्ञापन हमने ले लिया है और इस पर जल्दी आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बाद आपके यहाँ काम हम शुरू करवाएंगे। ठीक है, अब आप शांत हो जाइए।